जिंदगी रखा हुआ है। जिंदगी बिल्कुल जी, LIC की पॉलिसी आई थी, जिंदगी ये साथ भी और जिंदगी ये बाद भी, जी जी वो प्लान है ये मेरा जी। इसी से मेरा पूरा व्यापार जो है वो पहले ठीक है, मैं इतना फेमस नहीं था जी जी, ठीक है जी। और जिस दिन से इसने हमारे यहाँ पे कदम रखा है और जी कॉम्पिटिशन में गई है, 9 दिन की ब्याई थी बूढ़ों के बीच में बंधी हुई थी जी, ठीक है। तो वहाँ पे इसने 20 लीटर दूध 113 ग्राम कम जी चैंपियनशिप में निकाला था जी जी, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहाँ पे जो हमारी एचएलजीपी की रिकॉर्डिंग होती है जी उसमें आ गई जी, 22 किलो सबको 10 ग्राम दूध निकाला था जी। और ये करनाल की करनाल NDRI की 2018 की शायद जी 2018 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी पशुपालक भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जो भी नई वीडियो हमारे चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, आज से 1 जनवरी 2021 यानी कि नव वर्ष की शुरुआत है और नव वर्ष की शुरुआत में अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन दिखाने का जो प्रयास है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं जिला जींद में। और जिला जींद का जैसे कि हम सब जानते हैं, हरियाणा प्रदेश में जब जब मुर्रा पशुधन की बात आती है, जिला जींद का सबसे बड़ा सहयोग यहाँ पे काफी रहा है। अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन इसने हमेशा हमारे हरियाणा प्रदेश को दिया है। तो बहुत सारे पशुपालक भाइयों की डिमांड थी कि जिला जींद में रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म पे विजिट किया जाए। और आज आप यहाँ पे देख सकते हैं रणदीप मलिक सर, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक अनुभवी पशुपालक, मैं इनको कहूंगा अच्छा खासा अनुभव है और लाखों युवाओं के चहेते, मैं इनको फिर से कहूंगा यहाँ पे रणदीप मलिक सर आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि न सिर्फ आंध्रा, न सिर्फ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बल्कि दूर दूर के क्षेत्र नैनीताल तक अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन रणदीप मलिक सर ने हर बार भेजा। तो उसके लिए हम सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि न सिर्फ हमारे हरियाणा राज्य में बल्कि जो दूसरे राज्य हैं उनमें रणदीप मलिक सर ने जो मुर्रा का पशुधन भिजवाया उससे जो हमारे हरियाणा राज्य को पहचान मिली वो बहुत ही सराहनीय, बहुत ही काबिले तारीफ। तो बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए मैं कुछ बातें करते हैं रणदीप मलिक सर से। तो सर नमस्कार। नमस्कार भाई जी, कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो संदीप भाई आपका यहाँ आने पे स्वागत है और पूरे देश के सभी पशुपालक भाइयों को नए साल की शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका जो पशुधन है एक बार इसकी डिटेल्स के लिए आज हम आपके पास यहाँ पे आए थे, कितनी भैंसे हमारे डेयरी फार्म पे आप एक बार वो बताइए। एज यूजुअल 50 से 60 भैंसे रहती है मेरे पास। 50 से 60 भैंसे? हाँ जी जी। तो सर का मैं बताना चाहूंगा सेल परचेज का भी काम है, सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन है, इनका प्रयास हमेशा रहता है, सिलेक्टेड पशुधन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, भारी से भारी लेवटी, हेल्थ, हाइट, लेंथ, और अगर मैं सुंदरता की बात करूं तो आप देख सकते हैं एकदम सर्दी का मौसम यहाँ पे जरूर है, चमचमाती हुए अच्छी किस्म के मुर्रा पशुधन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक से बढ़ के एक यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो रणदीप मलिक सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा ना बढ़ाते हुए कुछ आपके पशुधन है शुरू करते हैं वहां से, इनकी आप एक बार डिटेल्स बताइए। भाई जी इसमें 18 किलो दूध तैयार है, फर्स्ट टाइमर जोटी है। आप देख सकते हैं सर ने बताया 18 किलो दूध जो है वो तैयार है, फर्स्ट टाइमर जोटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर नीचे क्या है, मेल काफ है फीमेल काफ है? फीमेल काफ नीचे, और आप देख सकते हैं हाइट लेंथ काफी अच्छी, शान शकल की सुंदर, और चौड़े पुट्ठे का मुर्रा पशुधन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बात करूं अगर मैं अड्र की तो अड्र आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच का काफी जोशीला अड्र, और टिट स्पेसिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी शानदार टिट स्पेसिंग का मुर्रा पशुधन रणदीप मलिक सर के फार्म हाउस से मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे सर ने बताया 18 लीटर दूध। सर 18 लीटर दूध मौके पे तैयार है, और ये पशुधन मैं आपको दिखा रहा हूं, काफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी हष्ट पुष्ट काफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
आते हैं अगले पशुधन पे। रणदीप सर एक बार इसकी डिटेल्स और आप बता दीजिए। इसका दूध निकल गया है, 22 किलो दूध तैयार है जी। हाँ, और 20 दिन की ब्याई है जी। जब हम इसको थोड़ा सा डाइट पुश करेंगे जी, तो 24-25 किलो दूध देंगे, बने रहने दो भाई। तो ये आप देख सकते हैं, सर बता रहे हैं अभी जो है 22 किलो दूध तैयार है और अभी दूध निकाल लिया गया है। तो आप देख सकते हैं काफी भारी भरकम शरीर का मुर्रा पशुधन आप यहाँ पे। भाई क्या होता है कि जी, मैं और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ जी, जी, और बहुत सारे मेरे पशुपालक भाई जो मेरे साथी भाई है जी, वो भी बोलते हैं कि ये 20 दे देगी, 22 दे देगी। एक काम करो जी, आप पूरे गांव में घूमो आप जी, और पूरे गांव में जाके एक भी भैंस नहीं मिलेगी आपको, शायद ही विरले ही एक आधी भैंस मिलेगी। देखो मैं ये गांव से लेके आया हूँ जी, 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 ठीक है। मैं ये कह दूं कि हाँ भाई मैं कोई दिल्ली कराट प्लेस से लेके आया हूँ जी, ये गांव से ही भैंस आई है जी। लेकिन कहना बड़ा आसान लग जाता है, 20 लीटर वाली मिल जाएगी, 22 लीटर वाली मिल जाएगी, 25 लीटर वाली, ठीक है। देखो ये जो आप कहेंगे कि कुछ लोग कहेंगे कि ये कहाँ से आ गई जी, मैं भाई जी पेमेंट लगा के लेके आता हूँ, वो जी, भी भाई पेमेंट लगा के लेके जाएंगे जी, लेकिन उनकी सोच यहाँ तक नहीं होती है, ठीक है। हम पशु को पकड़ते हैं और ये पशु जो है ये बिल्कुल चुनिंदा कोई 30-20 गांव में से घूम के निकल के अपनी नॉलेज के हिसाब से लेके आते हैं। और क्या होता है कई बार गांव में लोग डाइट नहीं देते ज्यादा जी, जी, ठीक है, वो भी एक कारण रहता है कि 16-18 लीटर पे रह गई, हम उसको एक अच्छी डाइट देते हैं, एक बैलेंस डाइट देते हैं, उससे वो 4-5-6 लीटर तक बढ़ जाती है जी, ठीक है। पीछे मैं भैंस लेके आया था, उन्होंने बोला था 14-15 लीटर दूध दे देगी, मेरे पास उसने 26 लीटर दूध दिया जी, जी, ठीक है। तो और कई बार क्या होता है जो गांव का पशु होता है वो कई लोग खेतों में चराने के लिए लेके जाते हैं जी, जो खेतों में चराने के लिए पशु लेके जाते हैं और मान के चलो वो एक नॉर्मल 16-17 लीटर का पशु है जी, जी, वो पशु यहाँ आने के बाद खेतों में जो जड़ी बूटियां उसने खाई है जी, जी, जो उसका पाचन तंत्र है जी, उसके हिसाब से वो पशु मतलब हमारे यहाँ पे आके बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है जी, जी, ठीक है जी। वो गब्बर लेके आते हैं तो वो जेल टाइम से डालता है जी, उसके अंदर किसी भी टाइप की कोई कमी नहीं आती जी। तो ये आप देख सकते हैं रणदीप सर ने जो है काफी अच्छी बात यहाँ पे बताई कि जो भी पशुधन है, सारे पशुधन ऐसे नहीं होते कि जो 24 से 25 लीटर दूध के यहाँ पे हो। और सर ने बताया कि जो दूध का जो सिस्टम है, मैं आपको बताना चाहूंगा वीडियो के माध्यम से, सारा और सारा पशु के डाइजेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। जो पाचन तंत्र जब पशु का ठीक रहेगा तो ऑब्वियसली वो खाएगा भी अच्छा और पचाएगा भी अच्छा, तभी वो दूध निकाल सकता है। तो आप एक और देख सकते हैं भारी भरकम शरीर का एक और मुर्रा पशुधन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं एक बार रणदीप सर से कहना चाहूंगा, सर एक बार इसकी डिटेल्स और आप हमें बता दीजिए। भाई जिसके 15 दिन रह गए ब्याने के जी, ठीक है जी। और ये देखो मेरे को लगता है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी जी, ठीक है। जो इसकी ये आप नसें देखिए यहाँ जी, जी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जी, ठीक है। तो सर बता रहे हैं 15 दिन बच्चे देने का टाइम अभी रह गया है और काफी भारी भरकम टाइम तो इसका 10 दिन का रह गया है जी। इसका 10 तारीख का ब्याह है जी, जो अगले बंदे ने मुझे बताया है जी, 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 ठीक है। लेकिन क्या है सर्दी का मौसम है जी, 4 दिन 5 दिन 10 दिन जी, ऐसे सभी फालतू ले रही है इस टाइम पे, बिल्कुल सही बात है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी चौड़े पुट्ठे भारी भरकम शरीर का मुर्रा पशुधन। बात करूं अगर मैं ऑर्डर की तो आप अभी ऑर्डर देख सकते हैं, 10 से 15 दिन का समय डिलीवरी टाइम में है। सर लैक्टेशन कौन सी है? सेकंड लैक्टेशन का देखो, अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन मैं आपको दिखा रहा हूँ रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म से जी। आप कुछ कहना चाहते हैं सर, बताइए एक बार। ये आप देख सकते हैं, बात करूं अगर मैं ऑर्डर की तो ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, एक बार रोक के रखे, चौड़े पुट्ठे का मुर्रा पशुधन, भारी भरकम शरीर। और अगर मैं बात करूं हाइट की तो ये आप देख सकते हैं, भले ही किसी बुल में इस तरह की हाइट देखने को मिलेगी और पूंछ में थोड़े से नाम मात्र के व्हाइट बाल यहाँ पे, चेहरा मोरा जस्ता हुआ। और अगर मैं बात करूं सुंदरता की तो सुंदरता देखते ही बनती है, सुंदरता का तो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं। तो सर क्या उम्मीद कर सकते हैं, कितना दूध निकाल देगा आपका पशुधन? जिस हिसाब से उन्होंने बताया मुझे जी, मैं तोल के नहीं आया, मैं देख के नहीं आया जी, जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से 4-5 किलो अब दूध बढ़ना चाहिए, 24-25 किलो दूध देना चाहिए, 24-25 किलो लग जाता है। लेकिन जब दूध होगा तैयारी पे जी, तो हम आपको बताएंगे और बुलाएंगे और इसका जो दूध है वो हम सभी को साझा करेंगे जी। बिल्कुल सही बात है सर, मेंटेनेंस एक्सपेक्टेशन से एक अलग चीज है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलना भी एक अलग चीज है। जितना हम पशुधन पे मेहनत करेंगे उस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ, और वो सारा और सारा श्रेय जो है पशु को जाता है अगर वो दूध अच्छा निकालता है तब भी, क्योंकि
जहाँ जितनी मेहनत हमारे पशु पालकों की होती है उसे कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत हमारे पशु की भी होती है, खाता है, पचाता है काफी सारी चीजें। और ये पशुधन मैंने आपको दिखाया, ये रणदीप मलिक सर के डेयरी फार्म से आप देख सकते हैं, काफी भारी भरकम शरीर का, सिंगों का जो है बनावट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी शानदार शान शकल की, और माथे में किसी तरह का सफेद टीका नहीं, जो प्योर मुर्रा के कैरेक्टर्स हैं वो इनके इस पशुधन में है। बात करते हैं अगले पशुधन की, रणदीप सर इसकी डिटेल्स और आप एक बार बता दीजिए। ये भाई जी, इसका नाम जिंदगी रखा हुआ है। जिंदगी, बिल्कुल जी, एलआईसी की पॉलिसी आई थी, जिंदगी ये साथ भी और जिंदगी ये बाद भी, जी जी वो प्लान है ये मेरा जी। इसी से मेरा पूरा व्यापार जो है वो पहले ठीक है, मैं इतना फेमस नहीं था, जी जी ठीक है जी। और जिस दिन से इसने हमारे यहाँ पे कदम रखा है और कॉम्पिटिशन में गई है, 9 दिन की ब्याई थी, बुलों के बीच में बंधी हुई थी जी, ठीक है, तो वहाँ पे इसने 20 लीटर दूध 113 ग्राम कम जी चैंपियनशिप में निकाला था जी जी, ठीक है। उसके बाद ये मैं यहाँ पे जो हमारी एसएलजीपी की रिकॉर्डिंग होती है जी उसमें आ गई जी, 22 किलो 710 ग्राम दूध निकाला था जी। और ये करनाल की करनाल एनडीआरआई की 2018 बनी थी दूध में, ये आप देख सकते हैं, रणदीप सर बता रहे हैं 2018 की करनाल एनडीआरआई में चैंपियन बनी, काफी हाइट लेंथ, काफी अच्छी चौड़े पुट्ठे का मुर्रा पशुधन। बात करूं अगर मैं आर्डर की तो आप आर्डर यहां पे देख सकते हैं, काफी भारी भरकम आर्डर। रणदीप सर की सबसे पसंदीदा जो भैंसे हैं उनमें से ये एक, इसका जो नाम सर ने रखा हुआ है वो रखा हुआ है जिंदगी। तो सही बात है, बिना जिंदगी के, बिना जीवन के जीवन में कुछ भी जो है संभव नहीं है। तो रणदीप सर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, अब की बार कितना जो दूध है आपका ये पशुधन निकाल देगा? मैंने देखी हुई है, यूज की हुई है जी, इसके लिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस बार 30+ दूध की, 30+। हाँ, कुछ लोगों को जैसे भरम है या कहीं हुआ है ये जी, जी नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता, ठीक है, उम्मीदें तोड़ दी है 33 किलो 35 किलो दूध कुछ भी बोल के जी जी, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल भैंस अगर 24-25 किलो दूध देती है जी, तो उसी में मतलब मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात मानता हूँ जी जी। और इतनी सारी भैंसे खरीदते हैं जी, टॉप क्वालिटी खरीदते हैं जी, ठीक है, और उसमें मैं यही कहना चाहूंगा अगर ये 28-30 किलो दूध तोड़ देती है तो बहुत बड़ी बात जी जी जी। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन रणदीप सर के डेयरी फार्म से, इनकी ये पर्सनल भैंसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सेल के लिए सर, सेल के लिए अवेलेबल नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर कोई 1 करोड़ रुपए दे तब भी नहीं बेचेंगे जी जी, ये बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इससे आगे का पशुधन सर एक बार बता दीजिए, क्योंकि आप बता रहे थे कुछ भाई जी जो है जी, सभी भैंसे 11 भैंस जो है जी, मेरा लोट जा रहा है जी पुणे में महाराष्ट्र पुणे जी, 11 भैंसे जी, ठीक है। और क्या है, मैं उनको भी यही बात बोलना चाहूंगा, देखो एक बार नजर डाल के देखो, एक बार इनकी टेस्टिंग जी 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 जी, आप ठीक है, अभी आई है 2-3 दिन, कोई भी भाई ले जी, बाहर का आदमी जी जी, सबसे पहले तो उसको एक ही बात देखनी है जी कि बच्चा कितने दिन का है जी, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारा जो काप है जी, वो 1-1.5 महीने का है बिल्कुल, वो भैंस वहां जाके दूध से घटती है ना कि बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन करने में 4-5 दिन लग गए, गाड़ी मिली 2 दिन बाद, उसके बाद 7 दिन वहाँ पहुँचने में लग गए, उसके बाद 15 दिन वहाँ पे जाके सेट होने में लग गए, ये वैसे दूध को तोड़ देंगी जी, 18 किलो की पेमेंट लगा के लेके जाएंगे, दूध देंगी 12 किलो। वैसे पकड़ो, कच्ची वैसे पकड़ो, एक माइंड से पकड़ो, कुछ लोग कह देते हैं 6 टाइम तोड़ के ले, 5 टाइम तोड़ के ले, ठीक है, एक अपना आइडिया लगाना है, एक टाइम देख ले, 2 टाइम देख लो, ठीक है। अब ये ताजी ब्याई वैसे है जी, अगर ये मान के चलो 5 लीटर दूध दे देती है जी जी, ठीक है, 5 किलो दूध दे देती है खाली करके जी, जिसको हम बोड़ा बोलते हैं, चिक बोलते हैं, खीस बोलते हैं जी, तो ऑटोमेटिकली ये 17-18 लीटर दूध की भैंस है जी जी, ठीक है। और अब ये इसी के नीचे बाल्टी लगाते रहो कोई फायदा नहीं जी, वो एक टाइम की वेस्टेज है जी, ठीक है, ये नॉलेज काम करती है, इसका भैंस का थन बता देता है, ठीक है जी, सारी चीजें जी। कुछ लोग रेट के पीछे भागते हैं जी, रेट मिल जाएगा जी, अंदर में कोई कमी मिलेगी, थन में कोई कमी मिलेगी, ठीक है, किसी का थन टूटता है, इसके अंदर भाई जी अगर 100 बाल एक्सपोज करो तो 100 में से 90 बालों में अवगुण होता है, 10% गुण होता है, हमारे को वो 10% गुण पकड़ने हैं जी जी जी। तो ये देखिए, जो हमारे जो नए पशुपालक हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश सर ने दिया, काफी सोच समझ के हमें अच्छा अच्छी किस्म का जो मुर्रा पशुधन है वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये अच्छी किस्म का जो मुर्रा पशुधन सर ने बताया, 11 भैंसे पुणे जा रही हैं, कुछ बायर्स यहाँ पे आए हैं, युवा साथी मैं इनको कहूंगा, एक बार बात करते हैं इनसे भी। तो नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो आप?
सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताइए आप। मेरा नाम आमुजा दवे और ये अपना भाई सूरज है जी। तो कितनी भैंसे आप यहाँ से लेके जा रहे हैं? 11 भैंसे आप यहाँ से लेके जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम विजिट थी या पहले भी रणदीप सर के डेयरी फार्म पे? पहली बार रणदीप भाई के पास पहले आया है जी, पहली बार आया है जी, और इधर से 4-5 बार भैंस लेके गए जी हरियाणा से। तो जो हमारे जो जो कुछ साथी हैं जो अच्छी किस्म का जो मुर्रा पशुधन लेना चाहते हैं उनको वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रणदीप सर के डेयरी फार्म पे किस तरह का पशुधन है वो मिलता है, आप संतुष्ट है या नहीं है? हम संतुष्ट है जी, और मैं लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगा जी, अगर तुमको सक्सेस होना है जी तो अच्छी भैंस लेके जाओ, दूध वाली भैंस लेके जाओ जी, और जैसा पैसा लगाओगे जी वैसा भैंस भी मिलेगा और दूध भी मिलेगा, बिल्कुल तभी सक्सेसफुल हो जाएगी डेयरी। तो जो सर दूध बताते हैं पशुधन जो आप यहाँ पे लेके जाते हैं वो मिलता है या कहीं ऐसा तो नहीं दूध कुछ और बताते हैं या निकलता कुछ और है कुछ इस तरह का? तो 2 लीटर कम ही बताते हैं। हाँ, अगर 14 बताए तो 16 निकलता है, 16 बताए तो 18 निकलता है जी। तो ये आप देख सकते हैं युवा पशुपालक यहाँ पे आए हैं पुणे से और 11 भैंसों का लोट रणदीप सर के डेयरी फार्म से जा रहा है यहाँ पे। तो बता रहे हैं सर के जो दूध रणदीप सर बताते हैं वो यहाँ पे मिलता ही मिलता है। दूसरा आप देख सकते हैं अच्छी किस्म का मुर्रा पशुधन रणदीप सर के डेयरी फार्म पे 2400 घंटे उपलब्ध रहता है और जो दूर दूर के बायर्स हैं वो भी यहाँ पे आते रहते हैं। कुछ भाई इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगा रणदीप सर के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं एक बार उनको कॉल कर सकते हैं अच्छी किस्म के मुर्रा पशुधन के लिए। तो आज की वीडियो थी हमारी रणदीप सर के डेयरी फार्म से, आशा करूंगा आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नए डेयरी फार्म पे या किसी नए पशुपालक के घर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।